कहते हैं हर एक जगह का डायरेक्टर खड़ूस होता है, पर हमें ये बात बताते हुए आपको बहुत खुशी हो रही है, फक्र होता है कि हमारे डायरेक्टर ऐसे नहीं है, बहुत ही कोऑपरेटिव है, हमेशा मदद करते हैं, करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। ये नहीं कि आज हमने बोला सर हमें नहीं आना, तो कहते ना गुजरा के डायरेक्टर नहीं आना है, छुट्टी वुट्टी कोई नहीं, लेकिन ये हमारे
हमारे साथ हमसे प्यार से कहते हैं नहीं आप छुट्टी कर सकते हो, आपकी जगह मैं हूँ ना, मैं संभाल लूँगा। तो मैं सबसे पहले उनको आमंत्रित करती हूँ कि वो हमारे इंस्टीट्यूट का क्या शेड्यूल है, कैसे काम किया जाता है और उनके माइंड दिमाग में कैसे विचार आया कि हम एक प्रोग्राम ऐसा चलाएं जिसमें हम सभी बच्चों का भला बन सकें और एक शिक्षा के लाइन पर अपने युवा वर्ग को ले जा सके। तो मैं उनको आमंत्रित करती हूँ इंजीनियर मैथिली सर को कि वो अपने विचार हम युवाओं के बीच में और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में प्रस्तुत कर सकें। आदरणीय चेयरमैन साहब, कपूर अंकल, मंच में बैठे बहुत सारे लोग जिनके मैं नाम नहीं जानता हूँ वो मुझे क्षमा करें। दोस्तों, मैं आपको अपनी कुछ ट्रू स्टोरी बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, जब मैं छोटा था, छोटा बच्चा, मैं एक म्यूजिशियन ऑफिस में गया। मैंने वहाँ पर देखा कि वो कुछ गा रहे थे, बजा रहे थे और कुछ काम कर रहे थे। वो एक मशीन पर वर्क कर रहे थे। मैंने देखा कि वो मशीन बहुत इम्पोर्टेंट है इस काम के लिए। फिर उसके बाद मैं एक न्यूज़ प्रेस में गया। प्रेस में मैंने देखा कि वहाँ पे नए नए जो पैम्पलेट निकलते हैं या फिर आपके प्रिंटेड आर्ट का जो भी मटेरियल निकलता है वो एक ऐसी मशीन से निकलता है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने उसे भी नोट किया माइंड में। उसके बाद मैं रिजर्वेशन सेंटर पर गया। मैंने रिजर्वेशन सेंटर पर देखा कि वहाँ पे एक लेडी बैठी हुई थी और उसने रिजर्वेशन काउंटर पे कुछ पिटर पिटर किया और उसने फटाफट से मेरे हाथ में एक स्लिप थमा दी। मैंने देखा ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी कि अगर मैं रेलवे डिपार्टमेंट में जॉब करूँगा बड़े होके तो मुझे इस चीज़ में वर्क करना आना चाहिए। अगर मैं प्रिंटिंग प्रेस में वर्क करूँगा तो भी मुझे इस चीज़ में वर्क कराना चाहिए, ठीक है ना। अगर मैं कहीं म्यूजिक बनता हूँ, म्यूजिक तो मेरा बहुत अच्छा शौक है, तो अगर मैं म्यूजिशियन बनता हूँ तो मुझे इस मशीन पर वर्क करना आना चाहिए। मैंने सोचा इस मशीन का नाम क्या है, मैंने सबसे पूछा भाई क्या नाम है इसका, तो लोगों ने बोला कंप्यूटर कैमरे बाय। भाई सन 1998 और 2000 की बात है ये, तो हमारे इंडिया में ज़्यादा पॉपुलर नहीं था उस समय। P2 भी मेरे ख्याल से नहीं आया था इंडिया में, डेवलप तो हो गया था शायद। सब जानते हैं क्या चीज़ है P2, मतलब P2 कंप्यूटर, पेंडियम 2 है ना। उसके बाद मैंने सोचा कि लाओ इसी मशीन पे इंजीनियरिंग कर ली जाए, तो मैंने सोचा लाओ इसी पे पढ़ाई की जाए। मैंने उसके आगे की पढ़ाई इसी मशीन पे की, अपना जॉब भी किया। बीटेक ख़त्म करने के बाद मैंने सोचा लाओ जॉब भी कर ली जाए, तो जॉब भी किया। उसके बाद मैंने देखा कि मेरी इंजीनियरिंग करने का कोई नतीजा नहीं निकला। मेरे दिमाग में एक प्रोजेक्ट आया जो था ITMech.com के नाम से। मैंने सबसे पहले प्रोजेक्ट जो है चेयरमैन सर को सुनाया, उन्हें बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा कि भाई एक ऐसा टेक्निकल इंस्टीट्यूट होना चाहिए मार्केट में जो सस्ती से सस्ती सुविधा मुहैया करा सके। अब हमारे सामने प्रॉब्लम ये थी कि सस्ती से सस्ती सुविधा कैसे करवा सकते हैं हम, भाई मार्केट में इतनी महंगाई है और बहुत तरह के आपके खर्चे हैं, सस्ती से सस्ती और बढ़िया। देखिए आजकल सस्ती सुविधा तो मिल जाती है लेकिन बढ़िया नहीं मिल पाती है, और अगर बढ़िया लेने जाओ तो बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है। ऐसी कंडीशन में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो हमारे चेयरमैन सर ने कहा कि मैं हूँ ना फाइनेंशियल स्टेट का सारा काम है वो चेयरमैन सर ने संभाल लिया। इसके बाद हमें जगह की जरूरत महसूस हुई तो हमारे कपूर अंकल ने हमें जगह प्रोवाइड कराई और हमने स्टार्टिंग करी 3 जुलाई 2006 से। पहला हमारा जो फंक्शन हुआ था वो छोटा सा अंदर की तरफ हुआ था, उसके बाद फिर एक और हुआ था 2007 में। मतलब इन 2 सालों के अंदर हमने जो प्रगति की है वो कोई इंस्टीट्यूट पिछले 6 साल या 7 साल में कर पाता है। आगरा के हमारे हर सेंटर पर, हर जगह हमारा नाम है। इस बात के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे चेयरमैन सर डॉक्टर अमित खान, हमारे PK कपूर, मेरी फैकल्टी मेंबर्स, मेरे बहुत सहयोगी गौरव अरोरा, हमारी मैनेजर फातिमा मैडम, मेरे PA मनीष, अस्मा मैम, मीनू मैम, और जिन फैकल्टी के मैं नाम जानता नहीं हूँ, और आप सब लोग। अब इस संस्था को और आगे बढ़ाना है। ये संस्था जो है ITMS इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट सोसाइटी से रिलेटेड है। इस सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए, इस संस्था को आगे बढ़ाने के लिए आप सब लोगों की, प्यारे प्यारे दोस्तों की बहुत ज़रूरत है हमें, क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ चुकी है और बहुत सारी चीज़ें मार्केट में हैं, हमें सबका मुकाबला करना है। फाइनेंशियल और स्टेट जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी हमारे सामने। बस इसी के साथ मैं अपनी गुरानी को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।
सर, मैं बिल्कुल सहमत हूँ उनके बात से, क्योंकि जब आपने इस इंस्टीट्यूट का आगाज किया था तो मैं इनके हर कदम से कदम साथ मिला के चली थी, इसलिए मैं इस चीज़ को समझ सकती हूँ। दूसरी बात ये कि हमारी पूरी एक टीम थी, हमारा एक सपना था कि कोई एक ऐसी संस्था खोलें जो सबका भला कर सके, उसका भी जिसके पास पैसा है और उसका भी जिसके पास पैसा नहीं है। सपना तो बहुत बड़ा है, अब सारे काम सारी दुआएं उसके ईश्वर के हाथ में हैं। हम तो सिर्फ कर्म करते जा रहे हैं, फल देना उसके हाथ में है और दूसरा फल आपके हाथ में है। आपके हाथ में कैसे, आप बता सकते हैं कैसे है? आपके हाथ में ऐसे है कि आप हमें अपना पूरा पूरा सहयोग दीजिए। सहयोग कैसे दे सकते हैं? आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है, आप जो पढ़ रहे हैं, बस उसको अच्छे से पढ़िए, कंसंट्रेट कीजिए, जो चीज़ सिखाई जा रही है उस पर पूरा ध्यान दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे, जहाँ भी जाएंगे तो आप गर्व से कह सकते हैं कि मैं ITMAC.com का स्टूडेंट हूँ। अपने लिए जोरदार ताली बजा दीजिए, क्योंकि आपको ही मेहनत करनी है इसको, हमारे सपने को साकार करने के लिए। इसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारी जो फैकल्टीज हैं, हमारे जो टीचर्स हैं, हमारा स्टाफ है, उनमें भी कलाओं का स्रोत भरा हुआ है। मैं सादर आमंत्रित करती हूँ मिस अस्मा खान को, वो आपके सामने जगजीत सिंह की गजल पेश करना चाहती हैं। पहले वो कुछ अपने बारे में बताएं, मेरी उनसे प्रार्थना है।